दोस्तों आप सभी को नमस्कार। एक बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ दोस्तों हम एक बार फिर हाजिर हैं आप सभी के सामने। दोस्तों वायकॉम 18 और जीन नेटवर्क 1 फरवरी 2024 से कुछ चैनल्स के और कुछ बुकेस के दाम बढ़ाने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये खबर आप बिल्कुल भी सुनना नहीं चाह रहे होंगे क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो जो टीवी देखने का पर मंथ का प्राइस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों जो टीवी पर आप चैनल्स देखते हैं हम उनकी बातें कर रहे हैं। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो ये होने वाला है और डिटेल में बातें होंगी दोस्तों। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन से बुकेस जिनके प्राइस बढ़ने वाले हैं और वो कौन से चैनल्स हैं जिनके प्राइस बढ़ने वाले हैं 1 फरवरी 2024 से, और ये दोस्तों कैसे अपडेट करेगा जी नेटवर्क और वायकॉम 18, क्या कंडीशंस होते हैं और कैसे इन्फॉर्मेशन आप सभी के बीच में दी जाती है और फिर चैनल्स के दाम बढ़ते हैं। दो स्टेज होते हैं दोस्तों और वो दोनों स्टेज अब पूरे हो चुके हैं और अब दोनों कंपनियां रेडी हैं चैनल्स के दाम बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि जब कंपनियां रिवाइज करती हैं पब्लिश करती हैं तो आप समझ लीजिए उसका पर्पस चैनल प्राइसिंग बढ़ाना और बुक के प्राइसिंग बढ़ाना ही है। तो दोस्तों वायकॉम 18 और जी नेटवर्क की तरफ से नया रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर पब्लिश किया गया है जो कि अप्लीकेबल होगा 1 फरवरी 2024 से। यानी कि सीधे शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करें इसको तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें सभी चैनल्स के प्राइसेस मेंशन है जिनको कि दोनों कंपनियां बढ़ाना चाह रही हैं और एप्लीकेबल रखा गया है कि एप्लीकेबल होगा इन चैनल्स का प्राइसेस 1 फरवरी 2024 से। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे क्यों वायकॉम 18 और जी नेटवर्क ही प्राइसेस बढ़ा रहा है, कलवर मैक्स या फिर डिस्नी स्टार इंडिया क्यों नहीं प्राइसेस बढ़ा रहा है। दोस्तों अभी जो अपडेट निकल करके आ रही है वो केवल इन्हीं दोनों नेटवर्क की अपडेट्स हैं जिन्होंने अपना नया रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर पब्लिश किया है और जिसमें कुछ चैनल्स के और कुछ बुके के प्राइस मेंशन है, वो भी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों, कुछ और अपडेट आपको देते हैं दिसंबर 2022 की। दोस्तों जो रिवाइज्ड आरआईओ इन दोनों कंपनियों के अलावा बाकी और कंपनियों जैसे कि डिस्कवरी हो गया, डिस्नी स्टार इंडिया हो गया, कलवर मैक्स हो गया, सभी ने पब्लिश किया था और वो हुआ था नेशनल टैरिफ ऑर्डर ट्राई की तरफ से अप्लीकेबल होने के बाद। डेट था दोस्तों 16 दिसंबर 2022 जब रिवाइज्ड आरआईओ पब्लिश किया गया था इन कंपनियों के द्वारा, और दिसंबर 2022 में उसी आरआईओ में चैनल प्राइसेस मेंशन थे जब बढ़ाए गए थे पिछली बार और वो प्राइसेस अप्लीकेबल हुए थे 1 फरवरी 2023 को। तो दोस्तों जो फरवरी का महीना है एक तरह से आप समझ लीजिए जैसे 2022 से स्टार्ट हुआ आरआईओ, उसके बाद 2023 में चैनल प्राइसेस अप्लीकेबल हो गए, ठीक वही प्रोसेस अप्लीकेबल हो रहा है दोस्तों इस साल फरवरी 2024 में चैनल के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। और इसीलिए आपको हमने पीछे का अपडेट दिया कि एक लिंक सा है जब रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर के बीच में कंपनियां चर्चा करती हैं और फिर जो उनको लगता है कि जिन चैनल्स के प्राइसेस बढ़ने चाहिए, जिन बुके के प्राइसेस बढ़ने चाहिए या फिर कुछ बुकेस भी डिसकंटिन्यू किए गए हैं दोस्तों, उसके बारे में भी अपडेट इस वीडियो में हम आपको देंगे, पूरी बातें होंगी दोस्तों। तो दोस्तों डिटेल में तो हम एक और वीडियो आपको बना करके बता देंगे कि वो किन किन चैनल्स के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कुछ चैनल्स जिनके प्राइसेस बढ़े हैं और जो बेहद ही महत्वपूर्ण चैनल हैं और कुछ चैनल के प्राइसेस तो दोस्तों दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं, पूरी अपडेट है दोस्तों, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी डिटेल में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर आते ही एक तरह का इशारा हो जाता है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कंपनियों को, कि चैनल्स के प्राइसेस बढ़ेंगे। और इस बार तो दोस्तों काफ़ी बुके, मतलब कि 25 बुके भी डिसकंटिन्यू किए गए हैं। आप सोच सकते हैं 25 बुकेज डिसकंटिन्यू होना दोस्तों बड़ी बात है। दोस्तों बड़ा ही सोच समझ के रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर दोनों कंपनियों के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब आइए सबसे पहले आपको बताते हैं वायकॉम 18 की तरफ से क्या अपडेट है। दोस्तों
कलर्स मराठी चैनल जो है, जो आप पहले देखा करते थे 10 रुपए में, अब 1 फरवरी 2024 से आप इसे देख पाएंगे 15 रुपए में। इसके अलावा कलर्स सिनेप्लेक्स जो आप देखा करते थे 3 रुपए में, दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी प्राइस बढ़ा करके सीधे कर दी गई है 19 रुपए, यानी कि 1 फरवरी 2024 से आप इसे 19 रुपए में देख पाएंगे। बुके की बात करें दोस्तों, तो 25 बुके ऐसे हैं जिनको कि डिसकंटिन्यू किया गया है, और जिनमें से कि 3 बेहद ही पॉपुलर बुके उनको भी डिसकंटिन्यू किया गया है। आप जान लें उन बुके का नाम, वो बुके का नाम है दोस्तों कलर्स वाला हिंदी बजट, कलर्स वाला हिंदी बजट, इसके अलावा कलर्स वाला हिंदी बजट प्लस, और इसके अलावा कलर्स वाला हिंदी वैल्यू। ये तीनों बुके दोस्तों क्रमशः 25 रुपये, 25 रुपये और 28 रुपये पर मंथ के हिसाब से थे, जिनको कि अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इनके अलावा दोस्तों 25 बुके, यानी 25 टोटल बुके हैं जिसमें से ये 3 भी हैं। अब आइए बात करते हैं दोस्तों कि क्या कुछ नया ऐड भी किया गया है, तो बिल्कुल नए बुके भी ऐड किए गए हैं दोस्तों। कलर्स वाला हिंदी वैल्यू एक नया बुके जिसकी प्राइस रखी गई है 34 रुपये, यहाँ भी देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज है। कलर्स वाला हिंदी वैल्यू प्लस स्पोर्ट्स, इसकी प्राइस रखी गई है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 45 रुपये, और कलर्स वाला मराठी वैल्यू इसकी प्राइस रखी गई है 40 रुपये। तो देख सकते हैं दोस्तों बुके प्राइसिंग में भी इंक्रीज है। तो दोस्तों पुराने बुके हटाए गए हैं और नए बुके में कुछ स्पोर्ट्स चैनल को डाल करके एक नया बुके तैयार किया गया है, लेकिन प्राइस भी बढ़ा दिया गया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तो कुछ चैनल्स हो गए, कुछ और चैनल्स हैं जिनके बारे में जानकारी दोस्तों अगले वीडियो में हम डिटेल में भी देंगे आपको। कह सकते हैं दोस्तों कि वायकॉम 18 की तरफ से ये अपडेट उनके नए रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर में भी पब्लिश किया गया है, और ये प्राइसेस एप्लीकेबल होंगे 1 फरवरी 2024 से, जो कि मीडिया सोर्सेस से खबरें निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी वायकॉम 18 की। वायकॉम 18 के अलावा दोस्तों जील यानी कि जी एंटरटेनमेंट नेटवर्क भी प्राइसेस बढ़ाया है, और उन्होंने भी चैनल्स के कुछ चैनल्स के प्राइसेस और कुछ बुके को डिसकंटिन्यू करते हुए कुछ नए बुके को भी ऐड किया है और प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं जी नेटवर्क के उन चैनल्स के बारे में जिनके प्राइसेस बढ़ाए गए हैं और जिनके बुके के प्राइसेस भी थोड़े इंक्रीज किए गए हैं, कुछ डिसकंटिन्यू भी किए गए हैं। एक चैनल है दोस्तों जी सिनेमेलू, और इसका प्राइस अभी है 10 रुपये, 1 फरवरी 2024 से आप इसे देख पाएंगे 15 रुपये में। जी पिक्चर, इसका प्राइस अभी आप दे रहे हैं 10 रुपये, अगर आप इस चैनल को देखना चाहते हैं 1 फरवरी 2024 से तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 15 रुपये। दो बुके डिसकंटिन्यू किए गए हैं दोस्तों, और दो बुके के अलावा जो नए बुके ऐड किए गए हैं आप देख सकते हैं जिनके प्राइसेस बढ़ाए गए हैं, ऐड नहीं किए गए इनके प्राइसेस बढ़ाए गए हैं। जी फैमिली पैक हिंदी SD अभी आप देख पा रहे हो 43 रुपये में, 1 फरवरी 2024 से आप इसे देख पाएंगे 47 रुपये में। इसके अलावा बात करें तो अगले बुके की जी ऑल इन वन हिंदी SD, इसको अभी आप देख पा रहे हैं 59 रुपये में, 1 फरवरी 2024 से आप इसे देख पाएंगे 62 रुपये में। तो दोस्तों देख सकते हैं कि एक मेजर चेंज है दोस्तों प्राइसिंग को लेकर के, हालांकि थोड़ा ही बढ़ाया गया है, कम से कम जी नेटवर्क के संदर्भ में ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर 5 रुपये का इंक्रीज़ है और 3 रुपये से 19 रुपये का इंक्रीज़ है तो ये बड़ी बात है दोस्तों। और मेरा तो ऐसा मानना है कि पहले से ही चैनल्स के प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो कंपनियों को इस बारे में सोचना चाहिए जब वो नया रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर लेकर के आते हैं, तो थोड़ा कस्टमर्स का भी सोचना चाहिए कि अगर वो एक चैनल का प्राइस बढ़ाते हैं तो उससे NCF और GST इंक्लूड करके चैनल प्राइस कितना इंक्रीज़ हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पहले से ही लोड चैनल्स के प्राइसेस के हिसाब से कस्टमर पर है, और मेरा मानना है कि इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि जो पॉपुलर चैनल्स हैं जब वो कि उनकी पॉपुलरिटी और ग्रो होने लगती है तो फिर चैनल प्राइसिंग के बारे में कंपनियां सोचने लगती है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है इस नए रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर में जो कि लाया गया है जी नेटवर्क और वायकॉम 18 के द्वारा। दोस्तों अच्छी बात यह है कि अभी जो अपडेट है उसमें बाकी अन्य कंपनियों का तो कोई अपडेट नहीं है कि वो भी रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर नया लेकर के आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर पब्लिश होना नया, इसका मतलब ये है कि चैनल्स के और बुके के प्राइसेस को बढ़ाना। दोस्तों यही अपडेट थी आज के इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, आपके सभी सवालों का हम स्वागत करते हैं और आपके सभी सवालों का जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।